हेलो फ्रेंड्स, केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज साक्षी शर्मा, और आज जो हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम देखेंगे खोज और उनके आविष्कारक। ये यहाँ पर खोज लिखी गई हैं और उनके आविष्कारक जो हैं उसी सबको हम आज की वीडियो में देखेंगे, लेकिन जीके ट्रिक्स के माध्यम से। कि इन सबको हम जीके ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, वही हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आपने अगर अभी तक हमारे केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी क्लासेस का जो भी अपडेट्स होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जीके ट्रिक्स के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या खोज हैं और उनके आविष्कारक कैसे हैं, इसी को हम याद करेंगे। आज की जो जीके ट्रिक्स होगी हमारी, वो कुछ हमारी स्टोरी के माध्यम से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा कैलकुलेटर। हमारी खोज क्या है? कैलकुलेटर, और उसके जो आविष्कारक हैं वो कौन है? पास्कल। तो इसको याद करने की जीके ट्रिक्स कुछ इस तरीके से है। मोहन का जो कल है मैथ्स का पेपर है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में सबको पता है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ये सोच रहा है कि एग्ज़ाम में अगर मैं कल कैलकुलेटर लेकर जाऊं, अगर एग्जामिनर उसको अलाउ कर दे कि वो कैलकुलेटर लेके जा सकता है, तो अगर वो कल एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लेके उसको जाने की परमिशन मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। यानी कि कल कैलकुलेटर जाने की परमिशन मिल जाए तो पास हो जाएगा। पास प्लस कल इज इक्वल टू, मतलब क्या बन जाता है? पास कल। ये हमारी कुछ इस तरीके से जीके ट्रिक हुई। तो हमने याद किया कि कैलकुलेटर के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? पास्कल। ठीक, सेकंड है हमारा रेल इंजन। इसके जो आविष्कारक हैं हमारे वो कौन है? जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, इसकी जीके ट्रिक्स कुछ इस तरीके से देख लेते हैं कि जो रेल इंजन है उसके जो आविष्कारक हैं जॉर्ज स्टीफेंस, इसको याद कैसे करेंगे हम? जिन्होंने रेल इंजन को इन्वेंट किया है, रेल इंजन को इन्वेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, तो उन्होंने उसको इन्वेंट किया तो उनकी बहुत फैन फॉलोइंग हो गई, यानी कि उनके बहुत सारे फैंस बन गए। रेल इंजन को जिसने इन्वेंट किया उनके बहुत फैंस बन गए, तो इससे हमारा क्या बन जाता है? जॉर्ज स्टीफेंस। ऑप्शन में आपको ये मिलेगा तो आप समझ जाएंगे जॉर्ज स्टीफेंस किसके आविष्कारक हैं? रेल इंजन के। ठीक, सेकंड है हमारा, सॉरी थर्ड है हमारा मोटर स्कूटर। इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं ग्रेविली ब्रेडशॉ। इसकी जीके ट्रिक्स कुछ इस तरीके से इसकी स्टोरी बनाते हैं। अमित की वाइफ ने आज एक सब्जी बनाई है, तो उसमें अमित जब खाने बैठा तो उसको क्या हुआ? उसमें ग्रेवी जो होती है वो कम लगी। तो अमित की वाइफ ने उसको बोला कि आप एक काम करो, स्कूटर से आप मार्केट चले जाओ और कोई नई ग्रेवी वाली सब्जी ले आना, ठीक है, और साथ ही साथ सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड और सॉस भी ले आना। तो स्कूटर से जाना है और क्या लेकर आना है? ग्रेवी वाली सब्जी प्लस ब्रेड और सॉस। तो इससे हमारी जीके ट्रिक्स क्या बन जाती है? मोटर स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ग्रेविली ब्रेड शॉ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेलीविजन। इसके आविष्कारक कौन है? जे एल बेयर्ड। वैसे ये सबको पता ही होता है, लेकिन इसकी जीके ट्रिक्स कुछ इस तरीके से देख लेते हैं कि बहुत से बच्चे आजकल टेलीविजन, पहले जमाने में तो ऐसा होता था कि फर्श पर बैठकर देखा करते थे, आजकल कहाँ पर बैठकर देखते हैं? बेड पे। तो इससे हमारी जीके ट्रिक्स बन जाती है जे एल बेयर्ड। नेक्स्ट है हमारा पनडुब्बी। इसके आविष्कारक कौन है? वुश नेल। तो इसके जीके ट्रिक्स हम कुछ इस तरीके से देख लेते हैं कि पनडुब्बी जो होती है वो बहुत महंगी और बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो अमेरिका की जो सबसे पहले पैसे वाला आदमी अगर हम बोले तो कौन रह चुके हैं? वुश। तो वुश ने ली पनडुब्बी, वुश ने ली, यानी कि पनडुब्बी किसने ली? वुश नेल। ठीक है, इस तरीके से इसकी जीके ट्रिक्स बन गई। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है?
चार्ल्स बैबेज। इसको याद करने की जीके ट्रिक्स कुछ इस तरीके से देख लेते हैं हम। आजकल तो ज़्यादातर लैपटॉप का एंड्रॉयड का ज़माना है, कंप्यूटर अब बहुत ही कम लोग जो होते हैं वो खरीदते हैं। तो शॉप का जो ऑनर है उसने बोला, यार अब तो लैपी हो गया, एंड्रॉयड हो गया, इसको खरीदते हैं, कंप्यूटर को तो कोई पूछता भी नहीं है। तो कोई चाल भिड़ा जिससे हमारा जो ये कंप्यूटर पुराने स्टॉक में रखे हुए हैं इसको बेच सके, यानी कि कोई चाल भिड़ा, यानी कि चार्ल्स बैबेज किसके आविष्कारक हो गए हमारे कंप्यूटर के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एयर कंडीशनर। इसके आविष्कारक कौन है? हेविलेन कैरियर। एयर कंडीशनर यानी कि एसी जो होता है वो बहुत हैवी होता है, तो इसी से इसका जीके ट्रिक्स बन जाता हेविलेन कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विद्युत जनरेटर। इसके आविष्कारक कौन है? माइकल फेराडे। इसकी जीके ट्रिक्स कुछ इस तरीके से है कि एक जगह पर शादी हो रही थी और फेरों का टाइम चल रहा था, तभी क्या हुआ कि लाइट भाग गई। तो वहां पर फिर एक माइकल नाम का जो बंदा था वो जनरेटर के पास बैठा हुआ था, उसको बोला कि माइकल फटाफट से जनरेटर को चालू कर दे, फेरों का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो विद्युत जनरेटर के आविष्कारक किस तरीके से याद कर लिया हमने? माइकल फेराडे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सरे। एक्सरे के आविष्कारक कौन है? कॉनरेड रोंटजन। एक बंदा था, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बॉडी में, तो डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया था कि आपको अपनी बॉडी का फुल एक्सरे जो है वो कराना है। वो डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर से बोला कि मेरी जो बॉडी का है वो एक्सरे होना है। डॉक्टर उसको वहां पर रूम में ले गए और इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को देख कर वो क्या हुआ, उसका जो वो डर गया बंदा, और उसका जो कान था वो रेड हो गया और वो रोने लग गया। तो एक्सरे कराने गया था, देख कर डर लग गया, कान रेड हो गया। तो एक्सरे के जो हमारे आविष्कारक हुए वो कौन हुए? कॉनरेड रोंटजन। ठीक है, इसके आविष्कारक कौन है? टोरी सिली। बैरोमीटर का यूज किस चीज के लिए किया जाता है? मापने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो एक बंदा था वो मेजरमेंट कर रहा था और तभी क्या हुआ, उसका जो बैरोमीटर था वो टूट गया। तो उसने क्या किया, डोरी से उसको सील लिया। तो इससे हमारी जीके ट्रिक्स बनती है, टोरी सिली आविष्कारक किसके बने? बैरोमीटर के। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टेलीफोन। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ग्राहम बेल। इसकी जीके ट्रिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टेलीफोन, जब टेलीफोन बजता है, घंटी बजती है उसकी, तो घंटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेल। तो टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? वॉटरमैन। फाउंटेन, सभी को पता है कि फाउंटेन किस चीज का होता है? पानी का होता है। पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन हुए? वाटरमैन। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी। इसकी जीके ट्रिक्स तो बहुत ही फनी है, कुछ इस तरीके से है। एक बच्चा था, वो रेडियो में जो गाने बजते हैं ना उस पर डांस कर रहा था, तभी क्या हुआ, उसका रेडियो खराब हो गया और वो रोने लग गया। तो उसके बड़े भाई ने उसको क्या सजेस्ट किया कि तू रेडियो पर कोनी मार, तो तेरा शायद ये जो रेडियो है इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, ये ठीक हो जाएगा। तो उसने क्या किया, रेडियो पर अपनी कोनी मारी, मार कोनी उसके भाई ने कुछ इस तरीके से बोला था। तो यही हमारी जीके ट्रिक्स बन गई, मार कोनी किस चीज के आविष्कारक हुए हमारे? रेडियो के। नेक्स्ट है सीमेंट। सीमेंट के आविष्कारक कौन है? जोसेफ एस्पिरिन। सीमेंट क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं, सीमेंट से अगर हम उसको काम करें उस पे, तो हम उसको जो शेप देते हैं वो वही शेप में ढल जाता है। तो सीमेंट को जो शेप देते हैं यानी कि जो शेप, इसी से हमारा बन गया, सीमेंट के आविष्कारक हो गए जोसेफ एस्पिडीन। ठीक है, नेक्स्ट है डीजल इंजन। इसके आविष्कारक हुए हमारे रुडोल्फ डीजल। ये तो बहुत आसान है, आपको पता ही चल जाएगा ना, इसके खोज में भी डीजल है और नाम में भी, जो आविष्कारक है उसमें भी डीजल है। नेक्स्ट है हमारा पॉकेट वॉच।
पॉकेट वॉच के आविष्कारक कौन हुए? पीटर हिनलीन। इसकी जीके ट्रिक्स कुछ इस तरीके से होगी। मोहन जो था वो शॉप से पॉकेट वॉच अभी खरीद कर निकला ही था कि बाहर जो कबूतर था उसने उस पर पीट कर दी। तो उसने ये बोला, यार समय ही खराब है। तो समय मतलब समय हम किस में देखते हैं? वॉच में। तो वॉच का हो गया हमारा पीटर हेलिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन होंगे? हमारे एडिसन। इसकी जीके ट्रिक्स हमारे कुछ इस तरीके से होगी कि जो विद्युत बल्ब पर काम कर रहे थे यानी कि एडिसन, वो एक बंद कमरे में इसके बारे में देख रहे थे, इस पर कुछ काम कर रहे थे। तभी क्या हुआ, उनका सन वहां पर आ गया। एकदम से उनके सन ने डोर ओपन किया तो वो चौंक गए और उनके हाथ से बल्ब गिरकर टूट गया। वो बल्ब जो टूटा उसका जो कांच था वो उनकी सन की एडी में लग गया। ठीक है, तो यही हमारी जीके ट्रिक्स बन गई। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन हो गए? एडिसन। नेक्स्ट है हमारा डायनामाइट। डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं वो हैं अल्फ्रेड बी नोबल। आप लोग जानते ही हैं डायनामाइट एक प्रकार का बम होता है। ठीक है, तो बम को फोड़ने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, यानी कि नो बल, उस पर कोई भी हमारा बल नहीं लगता। तो इसी से हमारे आविष्कारक की जीके ट्रिक बन गई, अल्फ्रेड बी नोबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइकिल। साइकिल के जो आविष्कारक हैं वो हैं मैक मिलन। आजकल तो सभी के पास एक्टिवा है, बाइक है, कार है। पहले जमाने में क्या होता था? साइकिल होती थी। तो साइकिल पे ही हमें अगर किसी से मिलने के लिए जाना होता था तो साइकिल से जाया करते थे। तो किसी से मिलने के लिए, तो वही बन गया हमारा साइकिल से क्या बन गया? मिलने से मिलन, मैक मिलन। ठीक है, नेक्स्ट है बिजली का पंखा। बिजली का पंखा के आविष्कारक कौन है? हिलर। ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि जब भी हम बिजली के पंखे को चालू करते हैं तो वो हिलता ही रहता है। तो इसी से हमारी जीके ट्रिक्स बन गई, आविष्कारक का नाम क्या बन गया? हिलर। ठीक है, और लास्ट है हमारा रेफ्रिजरेटर। इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं हैरिसन व कैटलिन। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, उसने क्या किया, रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में हैरी पॉटर की और कैटरीना कैफ की उसने पिक रख दी, उसमें फोटो जो थी वो रेफ्रिजरेटर में छुपा कर रख दी। जब हमने फ्रिज चालू किया तो देखा, अरे हैरी पॉटर और कैटरीना की पिक इसमें क्या कर रही है। तो वही हमारा बन गया रेफ्रिजरेटर का हैरिसन व कैटलिन। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। कैलकुलेटर का है पास्कल, रेल इंजन का जॉर्ज स्टीफेंस, मोटर स्कूटर का ग्रेविली ब्रेट शॉ, टेलीविजन का जे एल बेयर्ड, पनडुब्बी का वुशनेल, कंप्यूटर का चार्ल्स बैबेज, एयर कंडीशनर का हेविलैंड कैरियर, विद्युत जनरेटर का माइकल फेराडे, एक्सरे का कॉनरेड रॉन्टजन, बैरोमीटर का टॉरी सिली, टेलीफोन का ग्राहम बेल, फाउंटेन पेन का वॉटरमैन, रेडियो का मार्कोनी, सीमेंट का जोसेफ एसेपडिन, डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल, पॉकेट वॉच का पीटर हिलिन, विद्युत बल्ब का एडिसन, डायनामाइट का अल्फ्रेड बी नोबेल, साइकिल का मैकमिलन, बिजली का पंखा हिलर और रेफ्रिजरेटर का हैरिसन वे कैटलिन। तो ये थी हमारी आज की जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जीके ट्रिक्स पसंद आई होगी। हमने पहले भी हमारी कुछ जो जीके ट्रिक्स हैं उनके लिए वीडियो बनाई थी। आपने अगर उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर उन जीके ट्रिक्स को देख सकते हैं। हम ऐसे ही आप आगे भी आपके लिए जो ये फनी जीके ट्रिक्स होंगी उनको लेकर आते रहेंगे। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।